अभी मैंने जाकर धोदिनी कर्नाटक से यहाँ पर आई है रूपावती, उसको भी मैंने देखा। माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद है वो। और कल विके अलम के जुलूस को लेकर अलम को लेकर वो निकलेगी। काफ़ी सेहतमंद है वो, आसानी से मुकम्मल कर लेगी। इस गम की हिफाजत करना है, शबीर की खातिर जीना है, शबीर की खातिर मरना है। ये जिस्म रहे या मिट जाए, मजलूम का मातम करना है। जहरा की तमन्ना पूरी हो, ये जान रहे या लुट जाए। जहरा की दुआ है मातम, ये मातम कैसे रुक जाए। इस परचम की अजमत के लिए अब्बास ने बाजू दे डाले। इस परचम की इज्जत के लिए गाजी ने सहे दिल पर भाले। इस परचम की मशकीज़े से लिपटे हैं सकीना के नाले। अब्बास अली का परचम है, ये परचम कैसे झुक जाए। जहरा की दुआ है मातम, ये मातम मिला है तो इसकी बुनियादों में इमाम हुसैन की शहादत है। ये इस्लाम हमको मिला है तो इसमें अब्बास अलमबरदार के बाजुओं की कुर्बानी। तब जाकर हमको इस्लाम मिला है। ये कोई चमन से चलकर या हंसकर नहीं मिला है इस्लाम। 313 निहक और बातिल की जंग, और 72 भी थे और है वो जिंदा है। 72 ने इस्लाम की डूबती हुई किश्ती को बचा लिया। आज अगर हुसैन की मोहब्बत में मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन काम करती, हम सब काम करते हैं, क्योंकि ये ऐसा हम है जो ता क़यामत तक हम नहीं भुला सकते। क्योंकि इन्होंने हक और बातिल के लिए जंग की और बातिल का खात्मा किया, और आज भी हम सब तमाम दुनिया में इस गम को हम हमेशा मनाएंगे, ता क़यामत तक मनाएंगे। और ये गम ऐसा गम है तमाम मुसलमानों के लिए, सारी दुनिया के, इस गम को हम कभी नहीं भुला सकते। इस गम के सामने हमारे अपने खुद के गम फीके पड़ जाते हैं। इस गम की हिफाजत करना है, शबीर की खातिर जीना है, शबीर की खातिर मरना है। ये जिस्म रहे या मिट जाए, मजलूम का मातम करना है। जहरा की तमन्ना पूरी हो, ये जान रहे या लुट जाए। जहरा की दुआ है मातम, ये मातम कैसे रुक जाए। इस परचम की अजमत के लिए अब्बास ने बाजू दे डाले। इस परचम की इज्जत के लिए गाजी ने सहे दिल पर भाले। इस परचम की मशकीज़े से लिपटे हैं सकीना के नाले। अब्बास अली का परचम है, ये परचम कैसे झुक जाए।
जहरा की दुआ है मातम ये मातम कैसे रुक जाए। सालार हुसैनी क्या कहना, मेहराज वफा सरताज वफा, हर मौज तड़पती है अब तक साहिल से जो तू प्यासा पल था। था हुक्म हुसैनी जंग न की, हर वार सहा हर जुल्म सहा। ता होश में जब तक फिक्र ये थी, प्यासी न भतीजी रह जाए। जहरा की दुआ है मातम ये मातम कैसे रुक जाए। जब तक के सकत इस जिस्म में है, हक अपना अदा कर देना है। किस्मत जो सादत दे हमको, ये जान फिदा कर देना है। या अश्क से या कोने दिल से, इस दामन को भर देना है। आई है यहाँ एक शहजादी, उम्मीद का दामन फैलाए। जहरा की दुआ है मातम ये मातम कैसे रुक जाए। ये मातम है हलमिन की सदा, हर आज है जज्बा नुसरत का। यूं हक की तरफ आ जाने का हासिल है अभी तक एक मौका। पहचान ज़मीरो दिल की सदा, इस मातम में शामिल हो जा। शबीर बुलाते हैं अब तक, गर हुर हो कोई तो आ जाए। जहरा की दुआ है मातम ये मातम कैसे रुक जाए। जहरा की दुआ है मातम ये मातम कैसे रुक जाए। ये मातम कैसे रुक जाए। ये मातम इस गम की हिफाजत करना है, शबीर की खातिर जीना है, शबीर की खातिर मरना है। ये जिस्म रहे या मिट जाए, मजलूम का मातम करना है। जहरा की तमन्ना पूरी हो, ये जान रहे या लुट जाए। जहरा की दुआ है मातम ये मातम कैसे रुक जाए। इस परचम की अजमत के लिए अब्बास ने बाजू दे डाले। इस परचम की इज्जत के लिए गाजी ने सहे दिल पर भाले। इस परचम की मशकीज़े से लिपटे हैं सकीना के नाले। अब्बास अली का परचम है, ये परचम कैसे झुक जाए। जहरा की दुआ है मातम ये मातम कैसे रुक जाए। सालार हुसैनी क्या कहना,
मेहराज वफा सरताज वफा हर मोच तड़पती है अब तक साहिल से जो तू प्यासा पल था हुक्म हुसैनी। आज मैं मोहर्रम के इंतजाम को देखने के लिए नूरखा मजार एरिया में दारुशफा पाल सड्डी के तमाम इलाकों में जाकर मैंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छे अंदाज में मुकम्मल हुए हैं। क्योंकि कल आशुरा है, जो बीग आलम का जुलूस आता है, उस सिलसिले में भी मैंने अभी तमाम वाटर वर्क्स के ऑफिसर से और तमाम बलदिया के ऑफिसर से और पुलिस ऑफिसर से मैंने बातचीत की है और उनको मैंने हिदायत दी है कि कल किसी किस्म की आवाम को तकलीफ़ ना होने पाए। जहाँ भी पानी की सहूलत, जहाँ पर वाटर वर्क्स कर रही है, हर जगह पर पानी का इंतज़ाम किया जाए और बलदिया की जानब साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाए। और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मैंने भी पुलिस ऑफिसर्स को कहा है और हमेशा की तरह आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से, ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की जानिब से हमेशा की तरह एम्बुलेंसेज भी ग्रुप के साथ साथ रहेंगे। हमेशा की तरह कल भी तमाम मौजूद रहेंगे यहाँ पर।